तो भाई लोग, हम लोग रात का अभी लिंगराज मंदिर आ गए हैं देखने के लिए। अभी करीब 8 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच गए हैं आगे चल। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो देखते हैं दर्शन कर पाते हैं कि नहीं। अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं है, मैं बाहर का जो भी है मंदिर का परिसर का वो सब आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये है दोस्तों लिंगराज मंदिर, बहुत ही बड़ा परिसर है और यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि बहुत बड़ा परिसर है तो भीड़ का पता नहीं चल रहा है। बहुत ही बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा। बहुत ही बड़ा मंदिर है दोस्तों, जैसा जगन्नाथ मंदिर है वैसा ही सेम काफ़ी बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है और परिसर भी बहुत बड़ा है। पता नहीं करीब होगा 100 एकड़ में होगा करीब करीब ये। तो अभी मेन प्रवेश द्वार की ओर हम लोग जा रहे हैं और मोबाइल तो खैर अलाउ नहीं है, तो मोबाइल कहीं पे जमा करके जाना पड़ेगा। और भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, तो वो सब देखते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ का मेन मंदिर का प्रवेश द्वार। तो थोड़ा सा परिसर घुमा देता हूँ दोस्तों आप लोग को। इधर एक और एंट्री गेट है और ये एक और मंदिर है इधर। थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, ये परिसर के बाहर में एक ठो मंदिर है संगवारी हो, ये दे ऐसने जो बहुत बड़े मंदिर है। ये तो का आधा का आधा नहीं है और ये पूरा झगड़ा कचरा जाग गए हैं। तो दोस्तों इस मंदिर के कलश की जो ऊंचाई है वो करीब 40 मीटर है और जो पूरा प्रांगण है वो करीब 150 मीटर वर्ग मीटर में बना हुआ है, तो काफ़ी बड़ा जो है प्रांगण परिसर है। काफ़ी बड़ी दीवार बना दिए हैं जिसके कारण आप मंदिर का मुख्य मंदिर का भी दर्शन नहीं कर सकते, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऊंचा दीवार है। तो मंदिर में मोबाइल वोबाइल पर्स वर्स बेल्ट वेल्ट कहीं नहीं ले जा सकूँ, कोई भी थैला वैला चीज़ पर्स तक के नहीं ले जा सकूँ अंदर। पैसा लेके घर के जाओ खुल्ला है ना, और वहाँ अंदर में कुछ अलाउ नहीं है। जब गाड़ी उड़ी में आओ तो गाड़ी उड़ी में छोड़ दो, मोबाइल है पर्स है और कहीं घर के सब लो। और बाद जो है यहाँ मंदिर परिसर में एंट्री करो खाली हाथ।